और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर भारत में जो कि बिरसिंहपुर से आई हुई है, यहाँ शिकारियों ने तेंदुए का शिकार किया। जी हाँ, एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, बिरसिंहपुर से आई है, जहां पर शिकारियों ने तेंदुए का शिकार किया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग पहुंच चुका था। बिरसिंहपुर के चकरा नाला के पास की घटना बताई गई है, जहाँ 5 किलोमीटर दूर, बिरसिंहपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये चकरा नाला, और ये घटना रात की है। और हमारे साथ सुनील तिवारी, बिरसिंहपुर संवाददाता, खबर भारत के लिए जानकारी देंगे। सुनील, रात की घटना बताई जा रही है, तो क्या किस तरह की वहां की स्थिति है, और अभी अगर अपडेट मैं आपसे लेना चाहूं, वन विभाग वहां पहुंच चुका होगा? बिल्कुल जी, वन विभाग को जैसी जानकारी मिली है, ग्रामीणों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया है, जिस भी किसान के खेत में जो है तो तेंदुआ पड़ा हुआ है। अभी भी चूंकि मैं घटना स्थल में हूँ, वन विभाग ने बैरिकेडिंग कर दिया है चारों तरफ से, वहाँ जो है तो किसी मीडिया को या ग्रामीणों को जो है तो जाने से मना कर दिया है, रोक लगा दिया है। जो जिला वन मंडल अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं, विपिन पटेल जी भी हैं, डिप्टी रेंजर बिरसिंहपुर ब्रजकिशोर पांडे हैं वो भी पहुंचे हैं घटनास्थल पे, योगेंद्र मिश्रा है बीट गार्ड वो भी है, मतलब लगभग वन विभाग का पूरा अमला पहुंच गया है, लेकिन बैरिकेडिंग कर दिए हैं, मीडिया को वहां अभी जाने से मना कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम डाक टीम बुला रहे हैं और हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया पूरा मामला है वो शिकार का है, मैंने लगभग करंट लगा करके शिकार किया गया है, जो यहाँ के स्थानीय लोग है वो भी बता रहे हैं, खूंटियां भी मिली है। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चीज ये है कि वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही, मैं कहूंगा मामला ये है कि पिछले दिनों भी 2 शेरों का शिकार हो चुका, 3 शेरों का शिकार हो चुका, और नील गाय का भी शिकार हुआ है, नील गाय को पकाते वक्त जो है तो पकड़े गए थे यहाँ कई ठो शिकारी, और अब ये तेंदुआ का शिकार हुआ, तो मतलब लगातार ऐसे कई जानवरों का शिकार यहाँ होता रहा है। नील गाय बहुत सी शिकार हो चुकी है, बारहसिंघा का भी पिछले दिनों, हिरण का भी शिकार हुआ था, तो मतलब आखिर वन विभाग कर क्या रहा है, बड़ा प्रश्न ये भी है और विचारणीय है कि मैंने लगातार करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है वन संरक्षण के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए, और पशु लगातार शिकार हो रहे, मतलब 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से सुनील डिप्टी बैठते हैं। जी बिल्कुल सुनील, कितने कितने अंतराल की आपने ये बात की, नील गाय और इसके पहले जो शिकार हुआ था तेंदुए का, वो अंतराल कितना रहा होगा? ये पूरी घटना मुझे लगता है 7 से 8 जानवर जो ऐसे मरे हैं, मुझे लगता है 3 से 4 साल के अंदर की घटना और लगभग नजदीक की घटना। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुझे लगता है 2016 या 2017 में घटना घटी थी, उसमें पटरी में मचगमा बीट में जो है तो पटरी में जो है तो एक शेर का शिकार हो गया था, उसमें उसकी मौत हो गई थी। और दूसरा यहीं से मुझे लगता है 7 से 8 किलोमीटर और दूर सरभंगा का जंगल है, सरभंगा के जंगल में भी शेर का शिकार हुआ था और वो वयस्क था पूरा शेर, और सबसे बड़ी चीज यह है कि वन विभाग की गिनती में भी नहीं था, जो वन विभाग बता रहा है वो भी शेर इनकी गिनती में नहीं था, ये तेंदुआ भी इनकी गिनती में कहीं ना कहीं नहीं था, और वो वाला जो बाघ वहां पे मरा था मचगमा में पटरी में मिला हुआ था वो भी इनकी गिनती में नहीं था। तो आखिर इतने सावक है यहाँ, T20 वाघिन जो है पन्ना से शायद आई थी जो चर्चा का विषय है, और उसके कई सावक यहाँ, उसने कई सावकों को जन्म दिया और इनकी वन विभाग की गिनती में नहीं है। तो मुझे लगता है एक ये भी बड़ा प्रश्न है कि आखिर वन विभाग लगातार यहाँ है कर क्या रहा है कि जब इनकी गिनती में ही नहीं है ये जानवर, और फिर शिकार हो जाता है, जब शिकार हो जाता है तो फिर ये मीडिया को भी वहां जाने से रोकते हैं कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवालों के जवाब नहीं होते हैं इसलिए मीडिया को वहां से रोका जाता है। सुनील, वहां डिप्टी रेंजर पांडे जी आपने बताया जी, क्या कहना रहता है उनका हर बार जब आपने कहीं ना कहीं सवाल, मीडिया के सवाल तो उन तक पहुंचे होंगे भले ही वो आपसे मुखातिब नहीं हो पाए? और सबसे बड़ी चीज यह है कि मुखातिब तो हुए हैं, आए हैं यहाँ, वो थे मौके पर जब मीडिया कई मीडियाकर्मी पहुंचे, हम लोगों ने कहा कि हम लोग नजदीक जाना चाहते हैं, उसको पूरी कवरेज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार शिकार का उद्देश्य क्या रहा होगा, शिकारियों का क्या चमड़ा लेने का उद्देश्य रहा होगा या नाखून लेने का रहा होगा, आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा, हम लोग वहां जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बैरिकेटिंग कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब आ जाएंगे तब हम जाने देंगे, बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए, जिला मंडल अधिकारी जो है वो भी आ गए, विपिन पटेल जी आगे, हमने उनसे भी कहा कि सर हम नजदीक जाकर के कवरेज करना चाहते हैं, उन्होंने भी रोक दिया, बोले हम बुला लेंगे, अभी जो है तो हमारा दाग आने वाला है और इसके बाद जो है तो हम सारी चीजों का खुलासा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो आखिरकार इन चीजों से रोकने का कारण क्या, जब सारे अधिकारी आ गए, सभी अधिकारी, तो मुझे लगता है मीडिया को जाने देना चाहिए, मीडिया को भी देखना चाहिए और
इस चीज को जो है तो रोकने की जरूरत नहीं थी, पर क्यों रोका गया, क्या कारण है और मीडिया को स्पष्ट है सुनील कि मीडिया को इसलिए जाने से रोका गया क्योंकि मीडिया कवरेज करेगा, चाहे प्रकाशित करे चाहे प्रसारित करे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, किसी भी माध्यम की बात करूं तो पूरी जनता तक ये बात पहुंचेगी, तो पूरी जनता को ये बात ना पता चले और उस क्षेत्र विशेष की खबर सरकार तक ना पहुंचे, क्योंकि सरकार तक बात पहुंच ही जाएगी और बहुत कम वक्त में पहुंच जाएगी, तो इसीलिए मीडिया को रोका जाता है, सवालों के जवाब नहीं होते। सुनील, एक बड़ी चीज और बता दूं मैं आपको कि भले पूरा मझगावा मंडल का पूरा वन विभाग इसी के लिए बदनाम हो चुका है, मैंने पता नहीं कितने मोर का शिकार हो चुका है, बाघों का शिकार हो रहा है, तेंदुआ का शिकार हुआ है, हिरणों का शिकार हुआ है, पिछले दिनों नीलगाय का शिकार हुआ था, बहुत से अपराधी, तो अक्सर से अपराधी पकड़े जाते हैं, कई बार तो ये पूरे बातों को ही दबा देते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि ये जो है तो जनता के नॉलेज में आए, सरकार के नॉलेज में आए और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पिछले दिनों जब दरभंगा में शेर का शिकार हुआ था, जब वहां मीडिया गई थी तो वहां पर जो है तो कई धोनील गाय के जो है तो हड्डियां मिली थी, जलाया गया था उसको, बाद में जब पूछा गया तो फिर कुछ जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने कैमरे के सामने तो नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि पिछले दिन तो नीलगाय का शिकार हो गया था या मरा हुआ पड़ा था, वो सयाना हो गया था कि क्या हुआ था, मैंने पूरा गोलमोल करके जवाब दिए थे, बोले उनको उसका संस्कार हुआ था, ये उसकी हड्डियां, तो लगातार ये मैंने पूरा चर्चा का विषय रहा है शिकार। बिल्कुल, सवाल तो करने बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो फोन उठाएंगे क्योंकि जब वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, मीडिया को वहां पहुंचने ही नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अंत तक, आप वहां पर जुड़े हुए हैं लगातार, आप वहां से पूरी कवरेज की कोशिश कीजिए, कब तक नहीं मीडिया को जाने देंगे, और यहां से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। तो सुनील, मैं धन्यवाद देती हूं आपको, और डिप्टी रेंजर जिनका आपने नाम, हमारी टीम के पास सारे ही अधिकारियों के नाम है, वन विभाग के सारे अधिकारी, खासतौर से डिप्टी रेंजर से हम सवाल करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं, आखिर डेटा अपडेट क्यों नहीं किया जाता, जिस तरह से सुनील तिवारी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, हमारे संवाददाता खबर भारत के, और ये उन्होंने एक बात जो प्रमुखता से कही कि मीडिया को वहां जाने ही नहीं दिया जा रहा, हम तस्वीरों में देख सकते हैं शिकारियों ने बाघ का शिकार किया, और सुनील के मुताबिक ये जो घटना थी दरअसल करंट लगने की आसार उन्होंने बताए हैं, ये करंट लगने से मृत्यु हुई है, और जिस हिसाब से ये बिल्कुल स्पष्ट है, हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहाँ कर्मचारी मौजूद है, वहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, डिप्टी रेंजर पांडे जी कोई बात करने को तैयार नहीं है मीडिया से, यहाँ तक कि वहाँ सख्त निर्देश दे दिए गए कि मीडिया का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में उस बाघ के नज़दीक नहीं जाएगा, हालांकि रात की घटना है लेकिन अभी तक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही, और जैसा कि हमें सुनिश्चित थी ये बात कि डिप्टी रेंजर या हम विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी को फोन लगाएंगे तो वो हमारे साथ शायद ना जुड़ना चाहें, और यही हुआ, डिप्टी रेंजर पांडे जी को फोन लगाया गया था लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, तो जिस तरह की स्थितियां बनी, वाकई देखते हैं आप कब तक मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाती, कितनी भी कोशिश कर ले वन विभाग बातों को छुपाने की लेकिन बातें नहीं छुप पाएंगी। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही, जुड़े रहिए खबर भारत के साथ, नमस्कार।